यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं मिहिर व्यास, आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी, हमने लेसन नंबर 7 जादुई घड़ा, उसका लेक्चर नंबर 1 और 2 किया है, लेकिन लेसन नंबर 6 यानी चैप्टर 6 बंदी, उसका अभ्यास कार्य हमारा बाकी था। वो आज हम लेक्चर 2 यानी चैप्टर नंबर 6 बंदी पाठ भाग 2 में ले रहे हैं। तो अभ्यास कार्य में हमने मौखिक प्रश्न इसके पहले पीरियड में किए थे, आज हम अभ्यास कार्य आपके पेज नंबर 42 आपको साथ में इसी बुक में लिखते जाना है। तो लिखित प्रश्न में आप ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है, वीरभद्र कैसे राजा थे, उन्हें किससे विशेष लगाव था, तो मेरे साथ ही आपको लिखना है। तो पहले का आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वीरभद्र बहुत ही न्यायप्रिय और नेक दिल राजा थे। उन्हें प्रकृति और जीव जंतुओं से विशेष लगाव था। सेकेंड क्वेश्चन है, शुरुआती दिनों में मयूर राजा के साथ कैसा व्यवहार करता था, तो शुरुआती दिनों में मयूर राजा को देखकर छिप जाता था, या भाग जाता था। आपको साथ में लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक दिन राजा ने क्या सोचा, तो उसका आंसर एक दिन राजा ने सोचा क्यों न एक पिंजरे में कानून का निर्माण करवाया जाए और उस सुंदर को
क्वेश्चन नंबर 4, पिंजरे में एक आनंद की विशेषता क्या थी? तो पिंजरे में कानून में वृक्ष जलाशय फूल सभी कुछ पिंजरे के अंदर था। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, पिंजरे में एक आनंद में आकर मयूर की क्या दशा हुई? तो पिंजरे में एक आनंद में मयूर बहुत ही दुखी था। राजा ने उसे दाने दिए पर उसने नहीं चुका। राजा के सामने से एक छोर से दूसरे छोर तक लौटता रहा। पेड़ की डाली पर बैठना चाहा लेकिन वहां भी जाली थी। इसलिए बहुत बुरी दशा हुई। ये आपको साथ में पेज नंबर 42, 43 वाले लिखते जाना है।
वन टू फोर क्वेश्चन हमारे हो गए। अब मैं फिफ्थ वन लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, महाराज को अपनी गलती का एहसास कैसे हो? रानी ने बताया कि उस मयूर को स्वतंत्रता जंगल में छोड़ आइए। इस पिंजरे में उसे कैद कर दिया है। राजा को अपनी गलती का लास्ट क्वेश्चन फिर युवराजी समानार्थी। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? क्वेश्चन नंबर सिक्स। समस्यां तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि पराधीनता से सपने में भी सो नहीं मिलता है। इसलिए कभी किसी को
नहीं बनाना चाहिए। पशु पक्षी सभी स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं। तो यही पर आपको एक क्वेश्चन आंसर लिख लेना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, किसने किससे कहा है, उसका भी मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने किससे कहा। पहला है, आप इसकी उदासी का कारण जानना चाहते हैं, तो पहले का आंसर है रानी ने राजा से कहा। सेकेंड है, उस मयूर को स्वतंत्र चाहिए, उसका भी आंसर रानी ने राजा से कहा। थर्ड, पराधीन सपने को सुख नाही, राजा ने ठंडी सांस लेते हुए सोचा और मयूर को कहा। उसके बाद है भाषा और व्याकरण, तो विद्यार्थी मित्रों भाषा और व्याकरण का हमें अभ्यास करना है, इसके लिए डायरेक्ट आंसर मैं लिख देता हूं। पेज नंबर 43, उचित स्थान पर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो मैं डायरेक्ट उसके आंसर ही लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विराम चिन्हों का प्रयोग करें।
पहला प्रश्न है। माताजी ने कहा बेटा हमेशा सच बोलना चाहिए। सेकंड, राम श्याम और हितेश बाजार जाएंगे। थर्ड, तुम कैसे हो? शाबाश, तुमने कमाल का काम किया। फिर वाह, कितना सुंदर जलाशय है। और दो क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर हम उसका लिख लेते हैं। काल पहचान कर लिखिए, तो पहला है हम उसके आंसर लिखेंगे नव्या खेल रही है, तो खेल रही है नहीं वर्तमान, वर्तमान का। सेकंड, मोहन पढ़ेगा, अभी पढ़ता नहीं है, पढ़ेगा तो भविष्य का। थर्ड, माँ खाना पका रही थी, तो भूतकाल। फोर्थ, मैं गृह कार्य कर रही हूं, तो कर रही हूँ वर्तमान, वर्तमान काल है। तो आपको पेज नंबर 43 पर यह लिखना है, पहले में वर्तमान काल, दूसरे में भविष्य काल, तीसरे में भूतकाल और फोर्थ में फिर वर्तमान। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, विशेषण शब्द को रेखांकित करना है, रेखांकित करें। तो पहला है
चटनी बहुत खट्टी है, तो खट्टी के नीचे अंडरलाइन करना है। चटनी कैसी है? खट्टी, तो क्या हुआ? विशेषण। सेकंड, हितेश एक दयालु, तो हितेश एक कैसा व्यक्ति है? तो दयालु। उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। थर्ड, कुछ के नीचे क्या करना है? कैसे बच्चे वहां बैठे हैं? कुछ, तो कुछ और क्या हुआ? विशेषण। लास्ट, थोड़ा नमक, नमक लाओ। तो कितना नमक लाओ? थोड़ा। तो थोड़ा के नीचे अंडरलाइन करना है, वो विशेषण है। तो विद्यार्थी मित्र, आपको ये सभी जितना लिखवाया हो अपनी यहाँ पेरिविंकल बुक में ही लिखना है होमवर्क के अंदर। ये सभी होमवर्क के अंदर आपको लिखना है, जितना भी लिखवाया क्वेश्चन आंसर, लिखित भाषा और व्याकरण, ये सभी आपको इसी बुक के अंदर पेज नंबर 42-43 में लिखना है। अस्तु,